ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामा से श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी वीरेंद्र जी पायल जी विश्वनी आर सोनी पीटर से
स्वर्गीय श्री कमलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती मैना सुंदरी जी जैन, सुनील जी जैन, स्वर्गीय जी जैन परिवार सीसी कॉलोनी से, श्री सुरेश जी जैन, नरेश जी जैन, सिलोना वाला परिवार, रूपनगर वालों द्वारा शांति कराम, आरिका 105, श्री लक्ष्मणी, चंद्रमती, ज्ञानमती माता जी के चरणों में उनके स्वास्थ्य का आवेदन शांति धारा समस्त शांति धारा करता परिवार टीवी के सामने देखने वाले सुनने वाले व यहाँ पर से सभी जैन परिवार से पुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु समृद्धि रस्तु कल्याण रस्तु सुपर रस्तु समृद्धि रस्तु आयु रस्तु शिष्य ओम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल चतुर्गति दुख विनाशन नमो जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैसा आप सभी को पता है कि श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जी मंदिर राणा प्रताप बाग गुड़मंडी दिल्ली के दिल के बीच में जो आप सभी की मेहनत से सभी के प्रयासों से सभी के सहयोग से शायद विश्व का एकमात्र मंदिर होगा जिसमें दिल्ली ही नहीं पूरे भारतवर्ष से दिल्ली राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु कहां से बाहर से अमेरिका जापान लंदन सभी जगह से पैसा भूमि के अंदर आपने दे करके ये विशाल मंदिर जो करीब 1800 का जगह में बन रहा है आप सभी के सहयोग से बन रहा है। बंधुओं ये मंदिर दिल्ली का नहीं कहलाएगा, यह मंदिर श्री दिगंबर जैन समाज पूरे भारतवर्षीय दिगंबर जैन समाज का बनने वाला एकमात्र मंदिर जिसमें शायद तीन क्षेत्रों के बाद में पहला मंदिर होगा कि जहां पर आप सभी ने इस कार्य में भाग लिया। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इसी के बराबर में एक 500 गज में जो हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, आप लोग थोड़े सुस्त हो गए हैं, हमें करीब 454 गज का पैसा हमारे पास में आ गया है, करीब 46 गज का पैसा हमें इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए जो भूमि लेनी है उसके अंदर अभी बाकी है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, एक गज की राशि मात्र 1,00,000 रुपए की है और सोचिए कि इससे बड़ा कार्य आप सभी ने कोरोना में देखा कि हॉस्पिटल की हमें कितनी जरूरत है और अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो शायद ये काम पूरा नहीं होगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं जिनकी भी भावनाएं अच्छी हैं
जिनका भी पैसा सदुपयोग में लगना है, इससे अच्छा कार्य कोई नहीं हो सकता है। बंधुओं, हम मंदिर भी बना रहे हैं, धर्मशालाएं भी बना रहे हैं, स्कूल भी बना रहे हैं, पर हॉस्पिटल भी हमें बनाने पड़ेंगे, और वो जब ही बनेंगे जब आप सब लोग सहयोग करेंगे। मैं आपको बता दूं, अभी छोटी सी ओपीडी हम 80 गज में चला रहे हैं, उसमें रोज 50 से 60 भाई बहन दिखाते हैं, जिन्हें मात्र 20 रुपए में हम निःशुल्क दवाइयों सहित पूरी सुविधा उनको वहां पर देते हैं, सभी तरह के टेस्ट करते हैं, और भी जो कार्य होता है सब हॉस्पिटल में हम करते हैं, मात्र 20 रुपए लेते हैं। ये सभी आप सभी के सहयोग से चल रहा है। अभी इस हॉस्पिटल की भूमि में हमारे पास में 12 पैटर्न ट्रस्टी जिनके परिवार के द्वारा 21 लाख रुपए की राशि दी गई है, और 4 ट्रस्टी जिनके परिवार की तरफ से 11 लाख रुपए की राशि दी गई है। आप में से भी अगर कोई पैटर्न ट्रस्टी बनना चाहता हो, मात्र 21 लाख रुपए की राशि है, कोई ट्रस्टी बनना चाहता हो उसकी राशि 11 लाख रुपए की है, आप आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं उसकी राशि मात्र 5 लाख रुपए की है, 5 साल के लिए अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं उसकी राशि मात्र 2,51,000 रुपए की है, और 1 गज भूमि अगर देना चाहते हैं तो उसकी राशि मात्र 1 लाख रुपए की है। आपका नाम आपके जीवन के लिए नहीं, आपकी पूरे परिवार के लिए, आपके हजारों साल तक यहाँ पर जो हॉस्पिटल चलेगा उसके अंदर आपके परिवार का नाम रहेगा। बंधुओं, कहते हैं कि आपकी वजह से किसी एक आदमी का भी स्वास्थ्य लाभ हो गया हो, एक आदमी भी अगर बच गया तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य नहीं हो सकता है। मेरी भावना को देखते हुए आप जल्दी से जल्दी इस कार्य में करें, क्योंकि भूमि लेने के पश्चात ही हॉस्पिटल बनाने का कार्य करना है, और हॉस्पिटल बनाने में जैसा आप सभी को पता है एक ही परिवार के द्वारा, श्रीमान आर के जैन राजस्थली परिवार के द्वारा यहाँ पर पूरी राशि बोली गई है, पर वह जब ही बनेगा जब आप लोग भूमि में काम हमारा पूरा कर देंगे। इसी तरीके से आप देख रहे हैं शायद पहली बार कोई ऐसी 24 ही जिसमें 24 मंदिर अलग अलग बन रहे हैं, उसमें से हमारे पास में 15 नाम 15 परिवारों के आ चुके हैं, जिनके परिवारों के द्वारा 21 लाख रुपए की राशि मंदिर व प्रतिमा में दी गई है। मात्र 9 मंदिर व 9 प्रतिमाएं हमारे पास शेष बची है। आप अपने परिवार की तरफ से 21 लाख रुपए की राशि देकर के 31 इंची की धातु की प्रतिमा जो करीब 500 किलो वजन की यहाँ बन रही है उसके अंदर भी भाग ले सकते हैं। बंधुओं, जब तक आप रहेंगे उसके पश्चात भी लाखों वर्षों तक आपके परिवार का नाम इस मंदिर के माध्यम से चलेगा। आप सभी से निवेदन है कि आप मंदिर व मूर्ति अगर देना चाहते हैं तो राशि 21 लाख रुपए की है, केवल प्रतिमा देना चाहते हैं तो उसकी राशि 11 लाख रुपए की है, और केवल वेदी देना चाहते हैं उसकी भी राशि 11 लाख रुपए की है। बहुत ही जल्दी 2023 में या 2024 में हम इसका पंच कल्याणक करने वाले हैं, और आप देखेंगे कि यह भी एक दुनिया का, विश्व का बहुत बड़ा पंच कल्याणक होने वाला है, क्योंकि इसमें हजारों परिवारों का साथ हमारे साथ रहेगा। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने परिवार की तरफ से जो भी देना चाहे देकर के बंधुओं इस पुण्य लाभ को अवश्य ले लें। जैसा आपको पता है करीब 3 साल से जब से कोरोना शुरू हुआ है हमारे यहाँ पर लोग रोज गरीबों को भोजन करवाया जाता है। आप अपने परिवार की तरफ से आपकी शादी की वर्षगांठ पर, बच्चे के जन्मदिन पर या और किसी कार्य पर आप अपने परिवार की तरफ से यहाँ पर भोजन भी करवा सकते हैं, जिसकी संपूर्ण भोजन की एक दिन की राशि करीब 22,000 रुपए की है। आप अपने परिवार की तरफ से 22,000 नहीं दे 11,5100 जो आपकी इच्छा हो देकर के यहाँ गरीबों को भोजन करवा सकते हैं, मेडिसिन दिलवा सकते हैं, शांति धारा करवा सकते हैं, कोई भी कार्य अपने परिवार की तरफ से करवा करके इस पुण्य लाभ को ले सकते हैं। बंधुओं, मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि जो हॉस्पिटल हमारा बनने वाला है उसमें हमें केवल 44 गज का पैसा अभी और चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि वो 31 जनवरी तक आप सभी लोग जो भी टीवी के माध्यम से सुनेंगे इसे पूरा करेंगे, और अगले महीने में शायद इस हॉस्पिटल का हम निर्माण चालू कर देंगे। जय श्री।